तारा रानी की कथा, माता जागरण की कथा। माँ दुर्गा का जागरण वैसे तो साल भर में कभी भी आयोजित किया जा सकता है, लेकिन नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर माता रानी की जागरण का विशेष तौर पर आयोजन कई जगहों पर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता रानी का जागरण बिना तारा रानी की कथा के अधूरा माना जाता है। यहाँ पढ़ी तारा रानी की कथाएं। दोस्तों, तारा रानी की कथा के बिना जागरण अधूरा होता है और नवरात्रि का व्रत जागरण के बिना अधूरा होता है। तो जागरण, तारा रानी की कथा आप अवश्य सुने बड़े ध्यान से और बहुत ही श्रद्धा के साथ, इससे आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माता जागरण कथा। एक राजा था जिसका नाम स्पर्श था। वह माँ भगवती का बहुत बड़ा पुजारी था। वह रात दिन माँ दुर्गा की पूजा करता था, उसकी पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें रात दिन सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक संतान दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उसकी तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को दो पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राजदरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया, कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्युलोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक में आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुक्मन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाना है, तू बाजार जाकर फल ले आ। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों
केतु पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मन ने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए। उसी वक्त तारा ने श्राप दे दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है, तो जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों की योनि पाए, छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकौड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का था तथा बड़ा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया जिसका किसी को पता ना चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही, समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। भंडारे बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूद कर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर को कढ़ाई से खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया।
राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भार नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप इस लड़की के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी हत्या कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत का सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में घी जाकर
पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यहीं 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुको ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारें तब तो हम भी स्वीकार करेंगे। सुनकर रुक्को महारानी के पास आ गई और सब वृतांत का सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने का सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने के लिए गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय शेन नाई वहाँ था, उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को शेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जाकर जागरण में नहीं जा सकती, फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई, वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचा। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की, उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दें। अब की बार प्रसाद ले तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नेचों के घर का प्रसाद खा अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूँ? तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है, उसे खिला, मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे का फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र तारा रानी को साथ लिए महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या बिना चकमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए वह उसे बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन देख करके कृतार्थ हो गए। मारा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे तुम जैसी पत्नी प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा एवं रुक्मन
भंगिन तीनों ही मनुष्यों से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है। जय माता दी।